हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी, टीम सीएलसी, और मेरे साथ हैं माय सेल्फ डॉक्टर डीराज राव, केमिस्ट्री फैकल्टी, और हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है ना, आज सेकंड पार्ट बिल्कुल सर दयाल सर के साथ में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी ड्यूटी सर के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें अपन ने आइसोमेरिज्म और उसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एप्लीकेशंस की बात अपन करें, इसके अलावा सारे क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में अपना मेन चीज रहेगा वो रहेगा आइसोमेरिज्म और एप्लीकेशन। क्यों सर? कोऑर्डिनेशन का सेकंड पार्ट जो है, तो बिल्कुल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इससे पहले ऑलरेडी 26 अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो 27 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। सबसे पहले आप ये देखो लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो जब भी लिंकेज आइसोमेरिज्म की बात कर ले, तो आप एक चीज हमेशा याद रखो, जो एम्बिडेंटेड लिगेंड है वो आपके लिंकेज आइसोमेरिज्म देते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म का मतलब है कि डोनर साइट बदल जाएगी, मतलब ऐसा कोई लिगेंड जिसके पास टू डिफरेंट लोन पेयर डोनर साइट है, लेकिन एक टाइम में एक ही यूज होता है, वो अपना क्या करते हैं, लिंकेज आइसोमर शो करते हैं। जैसे कि मान लो कि ये आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड है, तो इसका आप देखें तो आपका ये हो गया, क्लियर। अभी देखा जाए माइनस, इसका मतलब इसके पास भी लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, और इसके पास भी लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, नाइट्रोजन के पास भी। तो अगर कार्बन डोनेट करेगा उस समय नाइट्रोजन डोनेट नहीं करेगा, और जब नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बनाएगा उस समय आपका कार्बन नहीं बनाएगा। इसका मतलब टू डिफरेंट डोनर साइट है, एक टाइम में एक ही काम में आ रही, तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म देगा। कैसे? मेटल के साथ हो सकता है कार्बन डोनेट हो, या हो सकता है मेटल के साथ नाइट्रोजन डोनेट करे। इसका मतलब है लिंकेज आइसोमेरिज्म वो देंगे जिनके पास एम्बिडेंटेड लिगेंड हो। तो सबसे पहले मैं NO2 की बात करूं, साइनाइड की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, एज एग्जांपल है। NO2 की बात करूं तो आप यहां पे देखें, तो यहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर डोनेट करने के लिए ऑक्सीजन के पास है, इसका मतलब ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है। एम्बिडेंटेड लिगेंड है, इसका मतलब ये आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म दे सकता है। वैसे SCN की मैं बात करूं तो SC आप यहां पे देख सकते हो, ये भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसके अलावा नाइट्रोजन कर सकता है। इसका मतलब दो डिफरेंट डोनर साइट है, एक टाइम में एक ही काम में आ रही है, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, इसका मतलब ये भी लिंकेज आइसोमेरिज्म दे सकता है। ये ऑलरेडी एम्बिडेंटेड है, यहां पे देखो आप अमोनिया एक ही लोन पेयर डोनर, और यही यूज होगा, इसका मतलब ये लिंकेज आइसोमेरिज्म नहीं दे सकता। तो अपना आंसर कौन सा रहेगा सर? जैसे मैं ऐसे लेकर चाहूं कि कहना है, जैसे ऑर्गेनिक में भी आता है ये चीज। हां बिल्कुल, ऑर्गेनिक में एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल आता है। बिल्कुल सर, तो सेम आप एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल और इसको लिगेंड को कंपेयर कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, टू डोनर साइट है और उसमें एक जो एटम है वो एक बार में एक ही देगा, लेकिन ऑप्शन दो है। ऑप्शन दो, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सर ने बात की कि ये चीज आप ऑर्गेनिक में भी फेस करते हो, वहां न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में न्यूक्लियोफाइल बोल देते हैं, और यहां पर इनऑर्गेनिक में अपन लिगेंड बोल देते हैं। जी जी बिल्कुल सर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, अपना क्वेश्चन है 28, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डज नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ए एंड बी आर मोनोडेंटेड लिगेंड। ये कह रहा है कि ए आपका मोनोडेंटेड है, बी भी है मोनोडेंटेड है, और इसमें से आपको वो आइडेंटिफाई करना है जो आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देता। तो एक चीज तो ये ध्यान रखो, जहां पर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहां होगा जहां पर रिलेटिव पोजीशन बदलेगी लिगेंड की, और रिलेटिव पोजीशन बदलने के लिए कम से कम दो डिफरेंट बॉन्ड एंगल तो होने ही चाहिए। तो SP में तो सिर्फ एक ही प्रकार का बॉन्ड एंगल होता है 180, SP2 में दो प्रकार के, एक ही प्रकार का हो गया 120, और SP3 में भी एक ही प्रकार का हो गया 109। इसका मतलब SP, SP2 और SP3 तो दे नहीं सकते। DSP2 आपका दे सकता है 90 और 180 के बॉन्ड एंगल आ गए। यहाँ पे आपको ऑक्टाइडल दिया है, तो ऑक्टाइडल में भी 90 के और 180 के बॉन्ड एंगल, 180 दो। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे अगर देखे MA6 MA5B ये कभी भी नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि सारे लिगेंड सेम है, तो रिलेटिव पोजिशन बदल ही नहीं सकती। वैसे यहाँ पे सिर्फ एक लिगेंड डिफरेंट है, तो अगर आप इसका बनाना चाहोगे, सेंटर में मैं मेटल नहीं लिख रहा हूं, सीधा बना रहा हूं, तो ए ए ए ए और ये आपने बी को यहां रख दिया। अब देखो अगर इसका कंपैरिजन करें, इसके ट्रांस में एक है और पास में दो है सिस पे, अगर इसे बी को यहां रख लोगे तो भी वही पोजिशन है, इसके सिस में दो आपके क्या रहेंगे, बी रहेंगे, ए रहेंगे, और एक ट्रांस में है ए। तो कहने का मतलब आप एक बी की कितनी पोजिशन बदल लो, पोजिशन बदल सकते हो, रिलेटिव पोजिशन नहीं बदल सकते। इसमें मैं एक बात बताना चाहूं जी, कि जैसे अपोजिट पोजिशन है ना, याद रख लो, जैसे मान लो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 6 तो पोजिशन है ट्रांस हो जाएगी।
जैसे 2-4 हो जाएगी और 3-5 हो जाएगी और बाकी जो सिस हो जाएगी सारे। बिल्कुल, मतलब 90 के एंगल पे अगर आते हैं दो ग्रुप सेम तो वो सिस है, और अगर दो सेम लिगेंड आपके अपोजिट 180 पे आ गए तो आपकी ट्रांस है। एक चीज का ध्यान रखना, ऑक्टाहेड्रल में 90 के कितने एंगल होते हैं, तो देखा जाए चार तो ये है, चार ऊपर वाला, चार नीचे वाला, टोटल 12, लेकिन वो 12 के 12 90 के हैं, तो वो 12 सारी सिस सेम है। एक बार सिस आ गया तो ये नहीं कि आप सिस में उसकी पोजीशन बदलो, आइडेंटिकल सिस, आइडेंटिकल आइडेंटिकल सिस पोजीशन। वैसे ही आपके 180 के तीन एंगल है, एक तो ये हो गए, ये तो ये तीनों आइडेंटिकल ट्रांस है। एक बार एक जगह ट्रांस आ गया तो वो ट्रांस मान ली जाएगी वहीं पे, फिर आपको अलग से ट्रांस मत बनाना। तो यहां से देखा जाए तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, इसकी थोड़ी अलग टाइप की होगी सिस और ट्रांस के कंपैरिजन। यहां पे ये ए ए ए और ये आ गया बी बी बी, ये हो गया फेसियल आइसोमर। फेस मतलब कि अगर सेम फेस पर है, सेम लिगेंड आ रहे हैं, तो फेस आइसोमर हो गया। अब इनमें एक की पोजीशन बदल दो आप किसी की भी, ए ए और मान लो यहां पे बी आ गया, मतलब इस फेस में एक अलग लिगेंड आ चुका है, इसका मतलब आपकी ये मर आइसोमर हो गया, ये तो ये आपका मर हो गया, इसका मतलब ये जी आई दे रहा है कौन सा फेस और मर। इसकी बात करें तो ये आपका सिस और ट्रांस देगा, कैसे देगा, ए ए ए ए और ये बी, तो ये तो आगे सिस। अब कई क्या करते हैं, बी बी यहां पर लेते हैं, अरे वो सिस है, सारे सिस सेम है, सब आइडेंटिकल है, तो ये तो हो गई सिस। अब हो सकता है ये बी यहां से हटे और यहां जाए तो ये आ गया ट्रांस, इसका मतलब ये दो देगा, एक सिस और एक ट्रांस, और इसकी बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, ये आपका नहीं देगा, तो आंसर ये आ गया। और ये एक ही चीज है, आइडेंटिकल हो गई बिल्कुल, तो ये भी आपका सिस और ट्रांस देने वाला है, क्यों सर? सही, 2 और 4 जो है आइडेंटिकल हो गए, बस आपका आइडेंटिकल सिस और जो ट्रांस पोजीशन है ना वो ध्यान रखो, जैसे अपोजिट वाली पोजीशन है ना वो क्या ट्रांस है और बाकी रिमेनिंग सिस है। अगला क्वेश्चन है अपना, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है प्रेजेंट इन ए नाइट्रो पेंटा एमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड की, बताइए सर। नाइट्रोपेंटामीन क्रोमियम क्लोराइड थर्ड में आइसोमेरिज्म पूछ रहा है, तो अगर आपके पास क्या नाइट्रो ग्रुप आ रहा है ना, तो अभी आप एविडेंट लिगेंड की बात करी थी, बिल्कुल, मतलब डोनेटिंग साइड नाइट्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है, बिल्कुल, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म होगी, मतलब एक तो लिंकेज इसमें होगी, इसके अलावा ऑप्शन इसमें बहुत भी दे रखा है, तो आपको ऐसे में क्या करना, और आइडेंटिफाई करो, आप इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बनाओ। तो जब आईपीएसी नेमिंग करते हैं तो उस समय क्या होता है, मेटल फॉलोड बाय लिगेंड, लिगेंड फॉलोड बाय मेटल, मतलब पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है फिर पीछे मेटल का नाम आता है, लेकिन जब नेमिंग से आप फॉर्मूला बनाते हो तब उल्टा होता है। इसमें क्या होगा, यहां पे लिगेंड फॉलोड बाय मेटल, मतलब पहले मेटल आएगा फिर लिगेंड आएगा, तो सबसे पहले मेटल ढूंढ लो, क्रोमियम है तो आप क्रोमियम बना लो, उसके बाद में नाइट्रो ग्रुप है तो आप नाइट्रो ग्रुप बना दो, उसके बाद में आपके पेंटाएमीन है तो आप पेंटाएमीन बना दो, ये हो गया आपके पास, क्लियर। फिर आपके क्लोराइड आ गया, ये चार दवा लो, इसका एक्स आ गया और ये आपका हो गया क्लोराइड, क्यों सर? अब आपको फॉर्मूला अगर कंप्लीट आइडेंटिफाई करना है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज आपको थर्ड दे रखी है, ये जो रोमन डिजिट में लिखा हुआ होता है, रोमन नंबर्स में लिखा होता है, ये आपका इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। आपको पता है NO2 की आपकी -1 होती है और NH3 की आपकी क्या हो गई, इसकी 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, फिर उसके बाद में आपका x आ गया, तो यहां पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x = आपकी कितनी आ चुकी है, +2 आ चुकी है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2, तो मैं इसको हटा रहा हूं तो ये आपका +2 हो गया, तो +2 तो इसके और इसकी टोपी इसके, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, क्यों सर? ये बन गया। तो अब यहां से देखो ये लिंकेज दे रहा है, इसके अलावा एक आइसोमेरिज्म और दे सकते हो आप इसके स्ट्रक्चरल के पास, बिल्कुल, ये NO2 आयन बाहर चला जाए और Cl अंदर आ जाए, अगर ये बाहर है तो ये काउंटर आयन है, लेकिन अगर ये अंदर आ गया तो ये लिगेंड है, स्क्वायर ब्रैकेट में एनायन लिगेंड है और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अगर कोई आयन है तो वो आपका काउंटर आयन है, क्यों सर? तो यहां पर आयनाइजेशन भी हो जाएगी, दोनों में लिंकेज और आयनाइजेशन, तो बिल्कुल सर अपना हो किस तरह फॉर्ट आंसर आ जाए, कहने का मतलब आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। नेक्स्ट चले सर, the total number of possible coordination है isomerism of the compound, एक complex formula दिया गया, ठीक है, और total coordination, इसके लिए आपको एक trick देता हूँ शानदार, आप हमेशा ध्यान रखो, अगर
आपको ये तो पता है कोऑर्डिनेशन कहाँ होने वाली है, अगर दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो तो ही कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये हो गया और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये हो गया, इसका मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये तो आपका हो गया कॉपर NH3 4, एक हो गया आपका प्लेटिनम Cl 4, ऑक्सीडेशन स्टेज अगले ने साथ में दी है तो कोई लफड़ा ही नहीं है। अब एक चीज याद रखो, जिस इस प्रकार का कोई कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन पूछे तो आपके पास दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज, मैं ये अपना ट्रिक है ना उसी पे लगेगा जहां सारे के सारे लिगेंड कैसे हो, मोनोडेंटेड हो। अगर एक भी बाइडेंटेड आ गया तो कोई ट्रिक नहीं लगेगी भैया, आपको सोल्व करके देखना पड़ेगा उसको, मोनोडेंटेड पे ही लगेगी ये चीज, आप अच्छे से सुन ले। तो देखो यहां क्या होने वाला, अगर दोनों के सेंटर अलग है, ध्यान से देखना, अगर दोनों स्फीयर के सेंटर अलग है तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतनी कोऑर्डिनेशन आइसोमर, जैसे यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गई 4, तो इसके कोऑर्डिनेशन आइसोमर भी कितने होंगे 4। और अगर दोनों के सेंटर सेम है तो कोऑर्डिनेशन नंबर बाई 2, मान लो यहां पे भी कॉपर होता तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 थी, 4 में 2 का डिवाइड करते तो 2 आ रहा। ये कहने वाला है कि जैसे मेटल और लिगेंड दोनों डिफरेंट है, मेटल भी डिफरेंट और लिगेंड भी डिफरेंट हो, तब तो कोड नंबर नंबर के इक्वल आ जाएगा जी। और यदि मान लो आपके पास मेटल सेम है, हाँ, सेंटर इनका सेम होगा, और सेंटर क्या होगा इनका सेम हो गया तो आधा कर देंगे, हाँ, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नंबर से आधा। ये सिंपल ट्रिक होगी, जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, प्लेटिनम Cl6 है, ठीक है सर, और अपन बात करें ये आपका प्लेटिनम NH3 6 है। अब यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे अगर देखा जाए, वैसे प्लेटिनम +3 देता नहीं है, मैं क्रोमियम से इनकी बात कर लेता हूँ, ठीक है, ये +3 में और ये +3 में। अब देखो दोनों के सेंटर सेम है, सेंटर सेम है तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितनी है 6 है, 6/2 तो 3 देगा। और अगर ये मैं अलग कर देता तो सेंटर अलग है जितनी कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये 6 शो कर देता। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है सर, जिससे एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं बच्चे, बस ये ट्रिक से। बाकी नहीं तो आप लिगेंड एक्सचेंज करो, लिगेंड एक्सचेंज करो और फिर सेंटर एक्सचेंज करो, सेंटर एक्सचेंज करो तो पता चलेगा। एक चीज का ध्यान रखना, अगर इनको जब सोल्व करो और यहाँ दोनों जगह चार्ज 0-0 आ जाए तो ऐसा कंपाउंड कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये दोनों आपस में आयनिक बॉन्ड से जुड़ते हैं तब साथ होते हैं। अगर इन पे कोई चार्ज ही नहीं है तो कोई बॉन्ड ही नहीं है, बॉन्ड नहीं है तो ये साथ एग्जिस्ट नहीं है, उसको काउंट नहीं करना। 0-0 आगे चार्ज उसको काउंट, हाँ, उस स्पीसीज को आपको काउंट नहीं करना। नेक्स्ट चलिए सर, चलो डी कॉम्प्लेक्स है, आपका एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है कोबाल्ट का, एमीन और क्लोरिडो के साथ है, इज नॉन है to exist in two different color, ये दो प्रकार के different color दे रहा है। और आगे का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि different color क्यों दे रहा है, ऐसा क्या हुआ। तो ligand जब same है तो different color दे क्यों रहा है actually, तो color कब बदलता है, या तो ligand बदले, ligand बदलेंगे तो ligand की strength के according उनके बीच की splitting बदलेगी, splitting बदलने का मतलब energy कम ज्यादा होगी, तो अब जो जो color है वो भी अपनी energy के हिसाब से absorb होता है तो color बदल जाएगा, splitting energy change हो जाएगी। बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे देख लो, जरूर आइसोमरिज्म का लोचा होगा फिर। तो आप यहाँ पे बना के देखो आइसोमरिज्म होती है कि नहीं होती, तो आपको पता है ये सेंट्रल हो गया, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, इसको A4 मान लो, सेम है, ये अलग टाइप का है तो इसको B2 मान लो, और मैंने अभी बताया था ये दो प्रकार के आइसोमरिज्म देता है, सिस और ट्रांस। इसका मतलब सिस में लिगेंड की पोजिशन अलग है और ट्रांस में लिगेंड की पोजीशन अलग है, B2 को रख लो, 1-2 पे रख लो, 1-6 पे रख लो, इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या आने वाला है, सिस और ट्रांस, तो सिस का कलर अलग होगा, ट्रांस का अलग होगा, तो इसका कलर अलग होने का रीजन क्या हो जाएगा, GI। क्यों सर? तो यहाँ पे हो गया GI। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं, देखिए सर, टू कॉम्प्लेक्स गिवन बिलो आर, कुछ कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं नीचे, इनको सॉल्व करके देखो इनका क्या रिलेशन है। तो देखो सिंपल सी चीज देखो, मैंने क्या कहा था, यहां पे एक चीज हो रही है, देखो बाइडेंटेड लिगेंड हमेशा सिस पोजीशन पे जुड़ते हैं, ये कभी भी ट्रांस पे नहीं जाएंगे, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है सिस पे जुड़े हुए, और AA यहां पे ट्रांस पे है, इधर आ जाओ, ये बाइडेंटेड सिस पे है, AA ट्रांस पे, सारे ट्रांस आइडेंटिकल है, मतलब ये आइडेंटिकल है। अब देखने पे ये अलग लग रहा है, आप सोचोगे कि इसको आइडेंटिकल तो यूं ही होना चाहिए था, क्यों सर? लेकिन ऐसा नहीं है, सर ने जैसे कि बताया कि ट्रांस सारी आइडेंटिकल है, तो इसमें भी ए ट्रांस है, इसमें भी ए ट्रांस है, सिस सारी आइडेंटिकल है, इसमें भी ई एन सिस पे है, इसमें भी ई एन सिस, और वही दो ई एन सिस है, तो इसका मतलब ये दोनों आपके क्या है, आइडेंटिकल है। ये जो है ना साइलेंट डायमीन जो है, बिल्कुल ये बाइडेंटेड और 90 डिग्री जुड़ेगा, 180 पे नहीं जुड़ सकता। 180 पे क्यों नहीं जुड़ेगा,
क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगा, स्ट्रेन ज्यादा तो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी कंपाउंड, बिल्कुल। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि वो 90 पे जुड़ेगा। स्ट्रेन से आपको याद आई अपने हालांकि पी ब्लॉक में करेंगे डिस्कस, क्यों सर? ये भी मोर रिएक्टिव हो जाता है पी फोर। रीजन क्या होता है वो, जैसे सर ने बात की बॉन्ड एंगल 60 का आ गया, कम आ गया तो स्ट्रेन ज्यादा हो गया, तो वैसे ही इसको ट्रांस पे लेके जाएंगे। नॉर्मल बॉन्ड एंगल जो होता है ना 1:28 मिनट होता है, बिल्कुल सर। ये 60 हो गया तो डेविएशन ज्यादा आ गया, बिल्कुल स्ट्रेन ज्यादा डेवलप हो गया। तो वही सर यहाँ क्या करें, अगर ये 180 पे चले जाएंगे स्ट्रेन ज्यादा होगा, स्ट्रेन ज्यादा हो गया तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई और जिस कंपाउंड की स्टेबिलिटी नहीं होगी वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। हालांकि ये चीज जब बात आई रही है तो इसमें थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं, इसका तो आंसर है अपना आइडेंटिकल हो गया, फिर भी अपन थोड़े से बात कर लेते हैं। अपने पास ये आपका ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स हो गया, इसकी मैं पोजीशंस लिख देता हूं आपकी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो देखो 90 के एंगल पे कौन कौन है, 6 पोजीशन इसमें कौन कौन सी होंगी 90 वाली, और ये 90 वाली कौन सी है, 2 और 3, इसके अलावा 3 और 4, इसके अलावा 4, 5, इसके अलावा आपकी आ जाएगी 2 और 5। फिर आगे देखें ये ऊपर है ऐसे तो इसके सबके साथ 90 का है, क्यों सर? तो आ गया 1, 2, 1, 3, 1, 4 और 1, 5। इसके अलावा ये नीचे से 90 के एंगल पे तो वही 6, 2, 6, 3, 6, 4 और 6, 5। तो 4, 4, 4 मतलब ये टोटल कितने हो गए, 12 असिस्ट पोजीशन है, सारी की सारी आइडेंटिकल है। ऐसे 180 की बात करें जिसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, ट्रांस, और ये सारी आइडेंटिकल होने वाली है क्योंकि 180 पे है सारे के सारे। और वो कौन कौन सी है, 2 और 4, 3 और 5, 1 और 6। इसी के बेस में वहां पे पता चलता है। एक बात कहूं कि जैसे आपको जैसे मान लो इतना ये लंबा थोड़ा है ना, जैसे मान लो ये ध्यान में नहीं रहे, बिल्कुल तो अपन क्या खाली ट्रांस याद कर ले ऐसे, बिल्कुल। जैसे अपोजिट वाली जो है ना वो ट्रांस है, बाकी रिमेनिंग बचे सारे वो सारी चीज है। कहने का मतलब सर ये कहना चाह रहे हैं ये जो आपके डायगोनल टाइप की चीजें बन रही है वो सारी ट्रांस है और बाकी सारी सिस है। बाकी तो जैसे सर ने बताया डिटेल में बताया तो ये आप ऐसे भी देख सकते हैं, बिल्कुल। एक ही बात, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स आता है ना तो आप उसको हमेशा इस फॉर्म में लिख लिया करो, MA2B2C2, मतलब कि इस फॉर्म में, उससे आपके पास आसानी हो जाएगी स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करने की। क्यों सर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। तो देखो द नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, एक अगर देखो आपको यहां पे लफड़ा ही नहीं दिया कुछ भी, अगले ने पहले ही बोल दिया कि स्क्वायर प्लेनर है। सवाल थोड़ा टिपिकल जब माना जाता है आप उसे कॉम्प्लेक्स दे दे फिर पूछ ले तो आपको वहां पे हाइब्रिडाइजेशन भी खुद को आइडेंटिफाई करना होता है, तो देखना पड़ता है कि वो जीआई देगा कि नहीं देगा। तो अगला बोल रहा है स्क्वायर प्लेनर आ रहा है और कॉम्प्लेक्स देखो स्क्वायर प्लेनर आ रहा है मतलब जीआई पॉसिबल है, अगर पॉसिबिलिटी भी तो आओ सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको मैं एम मान लेता हूं, ये ए हो गया, ये बी टू हो गया और ये सी हो गया, इस टाइप का मेरा कॉम्प्लेक्स है, क्लियर। तो यहां पे देखा जाए तो ये दो जीआई देता है, एक तो देता है सिस और एक देता है ट्रांस। कैसे इसका आप बना करके देखें तो आप यूं समझ लो बी टू के रेस्पेक्ट में देख लो, तो ये तो हो गया बी बी और ये हो गया ए सी, तो ये हो गई सिस। फिर अगला कैसे देगा बी बी ए सी, तो बी बी ट्रांस पे आ गया तो ये ट्रांस हो गया, मतलब दो देने वाला है। और स्क्वायर प्लेनर आ रहा है तो यहां ओ आई तो हो ही नहीं सकता, ओ आई के लिए स्ट्रक्चर का 3 डायमेंशनल होना जरूरी है, तो स्क्वायर प्लेनर तो ये तो 2 ही डायमेंशन होगी, तो इनमें तो कभी भी आपको ओ आई देखने को नहीं मिलेगा, वो जगह प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंट्रल प्लेन दोनों ऑप्शन है, बिल्कुल सर। तो अपन समझ गए इसमें कितने जी आई है, 2 जी आई, लेकिन इसी से काम नहीं चल रहा भैया, क्यों नहीं चल रहा है देखो इधर आओ, ये है पेलेडियम सी एल, ये आ गया बी आर टू, एक आपका हो गया एस सी एल, सेम है ये, तो ये कितने देगा 2 जी आई दे देगा, एक सिस एक ट्रांस। अब देखो ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, ये डोनर साइट बदलेगा तो एक कॉम्प्लेक्स और बन जाएगा, इसका लिंकेज आइसोमर एन सी एस, ये भी 2 जी आई देगा। अब आप देखोगे कि 4 तो जी आई हो गए, समझ रहे हो, और 2 लिंकेज हो गए, ऐसे अच्छा होना चाहिए, आंसर क्या टिक कर देते हो, गलत हो जाता है। आप ये चीज देखो ये 2 जीआई काउंट कर रहा है, उसमें एक स्ट्रक्चर तो ये खुद भी शामिल है, इसको सिस वाली मान लो चाहे ट्रांस वाली मान लो, एक स्ट्रक्चर तो ये इंक्लूड हो जाएगी, तो ये 2 हैं उनमें से एक ये खुद है,
वैसे ये दो है उनमें से एक ये खुद है, मतलब ये ऑलरेडी उनमें इंक्लूड हो चुकी है, लिंकेज के फॉर्म में ही हो चुकी है, इस लिंकेज की वजह से तो चार्ज यही हो गए। इसका मतलब टोटल इसकी सिर्फ चार ही होंगे, ये दो कॉमन है लिंकेज पर भी काउंट करना। हाँ, ये दोनों कॉमन हो गए किसके लिए, जीआई के लिए, तो एक स्ट्रक्चर को एक बार ही काउंट करना होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी जीआई में काउंट हो चुका है। तो आपको पूछा जाए जीआई कितने देगा, चार, जीआई कितने देगा, फोर, आपको पूछा जाए लिंकेज कितने देगा, दो, आपको पूछा जाए टोटल कितनी होगी, तो टोटल छह नहीं करना है, टोटल चार, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, क्यों सर? तो अपना आंसर फोर चुका है। इसी में बच्चे खास तौर से नेक्स्ट देखते हैं सर, देखिए सर आपको पूछा है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नॉट शोन बाय द कॉम्प्लेक्स किस शंकुधर प्रकाश समानता नहीं दर्शाई जाती है। अब देखिए प्रकाश समानता का एक बाइडेंटेड लिगेंड एक इंपॉर्टेंट आता है जी। और बाइडेंटेड लिगेंड देख लो सब में दिख रहा आपको पहली बात, फिर एक होता है सिस और एक ट्रांस, तो सिस में कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी, ट्रांस में होगी, क्योंकि पीओस के कारण बिल्कुल प्लेन ऑप्समेट्री आ जाएगी ना उसमें। व्यापन वैसे करते हैं ऑप्टिकली देखते हैं प्लेन ऑप्समेट्री और सेंट्रल ऑप्समेट्री, जैसे ऑर्गेनिक में भी देखते हो आप आइसोमेरिज्म, एक प्लेन ऑप्समेट्री और सेंट्रल ऑप्समेट्री चेक करते हो। अब इसमें देखो ये ऑक्सलेट आ रहा है और ये 90 पर जुड़ेगा, तो इसमें पीओ और सीओ दोनों के एब्सेंट है, बिल्कुल ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया आपके पास। फिर ये सीओ एन टू सी एल टू, अब ये सिस फॉर्म आ गया, एक ट्रांस आ गया, तो ट्रांस क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बिल्कुल सिस ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और ये बाइडेंटिटी लिगेंड आई रहा है, तो इनमें क्या करते हैं वैसे अपन प्लेन ऑप्समेट्री और सेंट्रल ऑप्समेट्री सब में चेक करके देखनी पड़ती है। तो और दूसरा कि आपके पास बाइडेंटेट रिक्वायर्ड होता है, तो बाइडेंटेट सब में आ रहा है, तो इसमें सिस ट्रांस का सीधे पता चल गया कि आपका आंसर कौन सा हो गया, बिल्कुल थर्ड। आप एक चीज हमेशा गांठ बांध ले भैया, जैसे कि सर ने कहा है कि बाइडेंटेट मस्ट हो गया, इसका मतलब है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और उसमें बाइडेंटेड आपको दिख रहा है, तो सोचने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्टिकल देगा ही देगा। हाँ, वो अलग बात है कितनी देगा वो आपको बना के देखनी पड़ेगी, बाकी वो देगा ये। तो इसमें बाइडेंटेड है ये देगा, इसमें बाइडेंटेड है ये देगा, इसमें बाइडेंटेड है और इसमें बाइडेंटेड। अब दिक्कत ये आ गई, ये ट्रांसफॉर्म है और ये सिस फॉर्म है। तो देखो अगर आपका बाइडेंटेड सिमेट्रिकल है, ध्यान से सुनना, अगर बाइडेंटेड आपका सिमेट्रिकल है तो वो सिस तो उसका ओआई देगा लेकिन ट्रांस कभी ओआई नहीं देगा, लेकिन अगर बाइडेंटेड लिगेंड आपका एनसिमेट्रिकल है तो उसका सिस भी ओआई देगा और ट्रांस भी देगा। इसका मतलब है अगर इसकी जगह या फिर आपका एम ए बी टाइप का बाइडेंटेड आ गया तो यहां पे सिस ओआई देगा, इसका ट्रांस भी बनेगा ओआई देगा, ऐसे टोटल इसके चार हो जाएंगे ओआई। लेकिन यहां पे बात कर रहे हैं अपन है इसकी, तो कोबाल्ट तो सेंटर में आ गया, आप ले लो ये आपका ईएन हो गया, ये ईएन हो गया, यही तो हो गया ना ट्रांसफॉर्म, तो इसका बना के ही क्यों देख रहे हो? जैसे कि सर ने कहा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये नहीं देगा, तो आप याद रखो जैसे इसका मिरर इमेज बनाओगे ना बिल्कुल भी आप देखोगे कि आइडेंटिकल होगा, इनको मिजो बोल सकते हैं और मिजो कभी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होते। तो हमेशा याद रखो बाइडेंटिकल लिगेंड मतलब ओआई होगी होगी लेकिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। अब बाइडेंटिकल कई प्रकार के हो सकते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल है तो सिर्फ सिस वाले ओआई होंगे और अनसिमेट्रिकल है तो सिस और ट्रांस दोनों वाले ओआई होंगे। तो यहाँ पे अपना ये ट्रांस आ गया, मेडिकल में काफी फेमस क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, ट्रांस और सिस तो जिन ध्यान रखना, ट्रांस में कभी भी नहीं है, बिल्कुल बस ये सिमेट्रिकल ध्यान रख लेना थोड़ा, क्यों सर? हाँ तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 35। यहां पे कह रहा है Na2S gives purple color with sodium nitroperoxide। तो पहले के जो कांसेप्ट थे वो थे लॉजिकल बेस, पहले के लेक्चर में CFP VVT की सर इनके साथ बात कर चुका हूं मैं, टूबी सर के साथ। आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है और कुछ लॉजिकल पोर्शन है, जैसे आइसोमेरिज्म में एक अंडरस्टैंडिंग पोर्शन है लेकिन ये वाला आपका थोड़ा थ्योरेटिकल है, याद करने पड़ेंगे जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको सोडियम नाइट्रोपरोक्साइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो वो आपका होता है Na2 Fe CN5 NO। सोडियम नाइट्रोक्साइड में आयरन आपका प्लस ऑक्सीडेशन स्टेज में होगा और आयरन के जब भी कॉम्प्लेक्स आते हैं सर NO आपका कैसा एज ए पॉजिटिव लिगेंड काम में आता है, बाकी सभी कॉम्प्लेक्स में ये न्यूट्रल के तौर पे काम करता है, ये ध्यान रखना। हाँ लेकिन ये पॉजिटिव और न्यूट्रल में आता है, इसका ईएन पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पॉजिटिव में आएगा कोऑर्डिनेट बना लेगा, न्यूट्रल में आएगा 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेगा, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का वो फर्क आ जाएगा, तो मतलब ईएन हमेशा बराबर ही है। तो आ जाओ यहां से अपन बात कर लेते हैं थोड़ी,
तो ऑक्सीडेशन स्टेज तो इसकी आएगी Na2S से, तो नॉर्मल एडिशन रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, सिंपल जोड़ दो, तो अपना FeCl5 NOS NOS। अब ऐसे में सर दफ्ता ही आ जाता है बच्चों के पास कि सोडियम का यहाँ कितना अमाउंट होगा, इधर बाहर Na2 Na4 हाँ, तो वो बाहर ये बाहर वाला ही कपड़ा करता है, तो अपन इससे ये देख लेते हैं कि ये प्लस टू में था, तो यहाँ का चार्ज निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा कितने सोडियम यहाँ जोड़ ले, तो ये 2 हो गया, ये -5 हो गया, एक का -1 हो गया, अब आपका NO से पॉजिटिव से माइनस में जा चुका है, तो ये हो गया आपका -1, तो यहाँ पे चार्ज अपना आ गया +4 और एक मिनट बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि ये या ये, तो आप हमेशा ध्यान रखो ऑक्सीडेशन स्टेज इसकी नहीं बदले, क्योंकि सर ने जैसे कहा एक नॉर्मल एडिशन एडिशन रिएक्शन है, एक्सपेरिमेंटल है बिल्कुल, एडिशन जैसे कई रिएक्शन ऐसे भी होती है जिनमें सर ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, इसमें एक एडिशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए आपको वो देखना पड़ता है कि वहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आया है या एडिटिंग एजेंट नहीं है, क्यों सर देखिए सर विल्किंसन कैटलिस्ट पूछ रहा है, बिल्कुल सर, और उसमें केंद्र धातु का संकरण पूछ रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अपन चेक कर लेंगे कितने आ रहे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गए सर, तो अब दूसरा ये क्या है आपके पास रोडियम है आ रहा है सर, तो इसमें ये स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बिल्कुल सर, जैसे एक तो 3D सीरीज है, एक 4D 5D है, तो 4D 5D जो होती है ना इनकी स्प्लिटिंग एनर्जी हाई होती है, CFSE हाई होती है, तो ये हमेशा स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो ये तो स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, DSP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक करो इसका 0 है और -1 है, पहले सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग थी, समझने वाली थी, लेकिन आज के पोर्शन में आइसोमेरिज्म तो अंडरस्टैंडिंग पोर्शन है, लेकिन साथ में हम एप्लीकेशन की बात करेंगे, तो यहाँ कुछ बातें हम रखते हैं, याद भी करना पड़ता है, और मेडिकल में क्या आते भी हैं कुछ एप्लीकेशन भी आते हैं, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था आयरन कोबाल्ट और निकल Ru Rh और Pb, फिर ऑस्मियम इरेडियम और प्लेटिनम, इनमें मैंने क्या कहा था इनके पास क्या होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग करेगा, वीक फील्ड पेयरिंग नहीं करेगा, और ये 6 मैंने वो बताए थे जहां पे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो ये पेयरिंग करेंगे ही करेंगे। एक चीज और बता रहा हूं आज आपको, इन दोनों के कॉम्प्लेक्स चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आए चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आए, इनके कॉम्प्लेक्स हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आई तो हाइब्रिडाइजेशन DSP2 होगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आई तो D2SP3 होगा। अब आप सोल्व करके देख लो, या मेरी लैंग्वेज याद रख लो, क्योंकि ये हमेशा होने वाला है ये काम, और ये हमेशा ही डायमैग्नेटिक होंगे, हमेशा ही कलरलेस होंगे। अब चाहे सोल्व करके देख लो, मेरे जैसे अब क्या करो, जैसे नहीं बताया ना ये 3D सीरीज होगी, बिल्कुल ये 4D 5D, तो अब जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे ना ऐसे, तो इनकी जो CFSE होती है CFSE आपकी क्या बढ़ती जा रही है, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा कि जब CFSE के अफेक्टिंग फैक्टर बढ़ते हैं तो अपन कहते हैं 3D से 4D में जाने पर 1.4 टाइम CFSE बढ़ती है, फिर 4D से 5D में जाने में इसका 1.5 टाइम बढ़ती है, तो CFSE ज्यादा हो गई 3D की है, 4D की हो गई, तो ज्यादा होने का मतलब ये पेयरिंग से ज्यादा होगी, और पेयरिंग से ज्यादा होगी, पेयरिंग एनर्जी क्या है, पेयरिंग के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी, तो बिल्कुल अगर रिलीज होने वाली एनर्जी पेयरिंग से ज्यादा है तो वहां पे 100% आपकी पेयरिंग होने वाली है, और ये आपका जो पीरियोडिक टेबल ग्रुप है 8th वाला, बिल्कुल सर, फिर कोई निकली रूबी रोड पे ओसो इधर पलटो, हां बिल्कुल, जैसे आप इसको याद भी कर सकते हो, फिर कोई निकली रूबी रोड पे ओसो इधर पलटो, इससे क्या एक पूरा ग्रुप है अपने को याद रहता है, बिल्कुल, ये सब बड़े काम की चीज है, ये जो 6 है ना ये 9 है, ये बड़े काम की चीज है, यूं जाओगे डावेरा इनर के ट्राइड बन जाते हैं, यूं जाओगे नहीं बनते, डावेरा ट्रेंड को भी फॉलो करते हैं, ऐसे जाओगे तो फॉलो कर जाएंगे, ऐसे जाओगे तो नहीं करेंगे, ये उसका एडवांटेज था, ये उसका ड्रॉबैक था, गोल्डन पीरियड टेबल के अंदर ये जो ऐसा ग्रुप है जो डोमिनेंट ट्रेंड को फॉलो करता है, बिल्कुल सर। दूसरी चीज आपको एक चीज और जो ध्यान में रखनी है वो मैं बात यहीं पे कर रहा था, जिंक कैडमियम और मरकरी, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो,
ये मिसाइल टेट्राहेड्रल होंगे, इनमें भी टेट्राहेड्रल होगा हमेशा, इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर चार से ज्यादा आनी नहीं है, तो इसलिए मैं सीधे बोल रहा हूँ टेट्राहेड्रल होंगे, हमेशा डायमैग्नेटिक होंगे, क्योंकि हमेशा एक ही ऑक्सीडेशन ही देते हैं, प्लस टू ऑक्सीडेशन। हाँ, ये जरूर प्लस देता है, लेकिन ये भी पेयरिंग एसजी के साथ जुड़ करके हो जाता है डायमैग्नेटिक, तो इसलिए डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो आप हमेशा याद रखो ये sp3 मतलब ये हमेशा टेट्राहेड्रल डायमैग्नेटिक होंगे, ये हमेशा इनर और डायमैग्नेटिक होंगे। नेक्स्ट लेसन, तो इसमें तो आंसर अपना ये हो गया, छोड़ दूंगा। यहां पे आपको दो कॉम्प्लेक्स दिए हैं और ये कह रहा है कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है एग्जिबिट प्रदर्शित करता है, इसको इस फॉर्म में चेंज कर लिया, तो यहां पे देखो क्या क्या आपके ये प्रदर्शित कर सकते। अच्छा, गलत पड़ गया, ये इंडिका इसके साथ ही एड कर दिया, सिर्फ ये कह रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स है और क्या क्या शो कर सकता है। तो आ जाओ इसको बनाओ, A4B2 और ये हो गया, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो आपको पता है ये एक तो GI देगा, सिस और ट्रांस, तो GI तो देगा ही देगा, तो एक तो हो गई आपकी GI। फिर आपको पता है NO2 एम्बिडेंटेड है, तो लिंकेज, और आपको पता है ये कभी OI देता नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो काउंटर आयन बॉन्ड है, क्लोराइड एक अंदर भी है ना, इन NO2 हो सकता है एक NO2 बाहर चला जाए और एक क्लोरीन अंदर आ जाए। तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच आयन एक्सचेंज हो रहा है, इसका मतलब आयनाइजेशन हो गया, तो एक आपकी आयनाइजेशन होगी। और ये सर काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जांपल बदलता रहता है, पूछता है, बहुत फेमस क्वेश्चन। तो आयनाइजेशन हो गया, इसमें इसकी वजह से हो गया, और आयनाइजेशन हो गया, जीआई हो गई, थर्ड हो गया। हां थर्ड हो गया, लिंकेज हो गया, आयनाइजेशन हो गया और जीआई हो गया, तो थर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सर विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, कौन सा आपका गलत है। तो देखिए पहला आपका पूछा है CO(CH)NH3Cl3 एज फेक और मर आइसोमर, ये करेक्ट है, ये आपने जैसे एक ही फेस पर लिए थे ना तीनों लिगेंड आइडेंटिकल आ गए, ये आपका MA3B3 टाइप का हो चुका है, मैं बता चुका हूं, फेस और मर, और एक इस प्रकार के क्वेश्चनों में ड्यूटी सर बन जाओ, इनकरेक्ट का घोड़ा पहले लगा था, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं यहां की सत्य पूछा या असत्य, इनकरेक्ट है, यहां पर बहुत बड़ी गलती हो जाती है, करेक्ट पूछा, करेक्ट पूछा, ये ड्यूटी सर का पैक डायलॉग है कि क्वेश्चन में अगर करेक्ट इनकरेक्ट है तो उसको हाईलाइट पहले कर लो, वरना वही मरवा देगा। सही करेक्ट, ये गलती हो जाती, सिली मिस्टेक हो जाती है। फिर आपके पास देखो ये आ रहा है PtBrCl(NH2OH), तो जैसे सर ने बताया ये तो करेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया। हाँ सर, अब इसमें आपके पास ये हो गया N और ये हो गया आपका AB और CD, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि ABCD टाइप का हो गया, तो ये GI शो करेगा बिल्कुल। अब इसमें एक काम करो, एक को फिक्स कर दो, और बारी बारी से ट्रांस पे ले आओ, एक बार ये ट्रांस आ गया 1, एक बार ये आ गया 2 और एक बार ये आ गया 3। अब चाहे बना के देख लो, तीन ही आ गए, तीन हो गए, इसको फिक्स मत कर देना वरना स्ट्रक्चर्स रिपीट हो जाएंगी। सिर्फ एक को फिक्स करना है, किसी को भी कर लो, सामने लेके आते हैं MA BCD, आप हो गए मैं तो इसको फिक्स करूंगा, कर ले भैया, एक बार ये ट्रांस में, एक बार ये और एक बार ये, सबको एक एक बार ट्रांस में ले लो, फिक्स कर, आड़े तीन ही है, तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट हो गई। नेक्स्ट सर, वर्ग समतलीय जो है स्क्वायर प्लेनर MA4 कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल MA5 कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो द ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी, सही है स्टेटमेंट, बिल्कुल ये करेक्ट हो गए। सारे लिगेंड सेम हो, और अगर तीन लिगेंड सेम हो या पांच लिगेंड सेम हो, सिर्फ एक अकेला लिगेंड डिफरेंट हो, तो भी GI नहीं होती है, कम से कम दो डिफरेंट लिगेंड तो होने ही होने चाहिए, तो ये वाला भी नहीं देता, इसका आप मैं ऑलरेडी बात कर चुके हैं सर। इसके अगर टेट्राहेड्रल 20, तो ये भी सर करेक्ट हो गया। हाँ, ये करेक्ट हो गया बिल्कुल। इसके बाद में है टेट्राहेड्रल 20 ग्लाइसिनेट और निकल सेकेंड ऑप्टिकल इनएक्टिव, काफी अच्छा क्वेश्चन है सर। अभी ग्लाइसिनेट वाला है एसिमेट्रिकल लिगेंड हो गया, तो ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, उसमें किरेलिटी होनी चाहिए, किरेलिटी होनी चाहिए, तो या तो वो देगा टेट्राहेड्रल और इस टाइप का हो तो, या फिर वो देगा इस टाइप का हो तो भी उसमें किरेलिटी आ रही है, लेकिन वो टेट्राहेड्रल होना चाहिए। अगर ये स्क्वायर प्लेनर आ गया, स्क्वायर प्लेनर आने का मतलब तो वही टू डायमेंशनल होता है, वो सही नहीं करेगा, टेट्राहेड्रल थ्री डायमेंशनल होता है। अब उसके साथ एक कंडीशन और जुड़ गई, वो क्या जुड़ गई, किरेलिटी, किरेलिटी। तो यहाँ पे देखा था इसके पास किरेलिटी है, इसके तो याद रखो ऑक्टाहेड्रल देते हैं एक, तो उसके अलावा टेट्राहेड्रल देते हैं, टेट्राहेड्रल में सिर्फ ये दो ही कॉम्प्लेक्स देते हैं, इसके अलावा कोई नहीं देगा, तो इसको तो सर यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव लिख दिया, यही गलत हो गया, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट आंसर ही है, और अपने को रॉन्ग ही आइडेंटिफाई करना, इनकरेक्ट पूछा था। हाँ बिल्कुल सर, नेक्स्ट चले सर, चलो
बिल्कुल सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज इनकरेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर। इनकरेक्ट देखना है। तो सबसे पहले तो अपन स्टेबिलिटी की बात करते हैं सर, कि लिगेंड स्ट्रेंथ बढ़ती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे NH3 और EDTA दे देता है और NH3 से ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स EDTA का होता है। अब ECS अपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें तो उसमें EDTA पहले आता है, उसको वीक बताया गया है और NH3 को स्ट्रॉन्ग, फिर भी अपन कॉम्प्लेक्स EDTA का स्टेबल करते हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। यानी कि आपकी लिगेंड स्ट्रेंथ के अलावा भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, और वो हो गई किलेटिंग पे। मतलब ऐसे लिगेंड जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखते हैं। तो यहाँ आ जाओ रिंग वाले, तो रिंग वाले को प्रायोरिटी देते हैं। बिल्कुल सर, ये आ गया एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसके अंदर मोनोडेंटेड लिगेंड है। इसमें आ गया किलेटिंग, क्योंकि मोनोडेंटेड के अलावा सारे लिगेंड कैसे होते हैं, किलेटिंग, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, ये सब किलेटिंग होते हैं। एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कितने रिंग बनाते हैं, डेंट्रिसिटी से एकम। बाइडेंटेड है तो किलेटिंग रिंग दो होती है, तो वो हो जाएगा कैसा अपना रिंग, एक रिंग बनाएगा। अगर आपका ट्राइडेंटेड है तो वो रिंग बनाएगा दो, और टेट्राडेंटेड रिंग बनाएगा तीन, एक कम बनाएगा। बिल्कुल सर, तो इथाइलिन डाइएथिलीन आपको पता है CH2 CH2 NH2 NH2 कॉपर के साथ एक रिंग बना ली, ऐसे दो ईएन नीचे वाला एक वो बना लेगा। तो मैंने क्या कहा, एक ईएन एक रिंग, तो दो ईएन दो रिंग। वैसे ही ट्राई ईएन, तो आप इसको देखो, पूरा बना के देखो एन, इसको यूं कर लेते हैं CH2 NH2 CH2 CH2 NH 1 2 3 NH2 CH2 CH2, और ये NH2। हाँ, तो यहां पे देखो इसमें आ गया ट्राई इथाइलीन टेट्राएनिन, तो आपका टेट्राडेंटेड है, इसको ट्राई इन से लिखा जाता है, ट्राई इथाइलीन। ये ट्राई किसके है, इथाइलीन से, तीन इथाइलीन ग्रुप है, तो ट्राई इथाइलीन टेट्राएनिन 1 2 3 4। तो आप देख रहे हो ये कैसा है टेट्राडेंटेड, तो रिंग कितनी होगी 1 2 और 3। तो यहाँ पे नॉर्मल से ज्यादा किलेटिंग, और किलेटिंग में इसमें दो रिंग है, इसमें तीन रिंग है, तो स्टेबिलिटी का ये सर सही ऑर्डर होगा, सही ऑर्डर। फिर ये लिगेंड स्ट्रेंथ से हो जाएगा, आपको पता है मैं लिखवा चुका हूं ऑलरेडी आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें आप देखो H2O से स्ट्रॉन्ग होता है NO2, और फिर NH3, तो NH3 वीक होता है, इन दोनों में कंपेयर करने पड़े। हाँ, इन दोनों के कंपेरिजन में NH3 पहले आता है। ECS आप याद करो, मैंने ECS लिखवाई आपको, तो NH3 आपका वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, और दोनों ही मोनोडेंटेड है, तो किलेटिंग का ऐसा कोई रोल है नहीं। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स यहाँ होता तो आपका सही होता है, तो यहाँ पे ऑर्डर गलत हो गया, क्योंकि यूं होना तो इनकरेक्ट पूछा था, ये हो जाएगा। खैर, आगे वाले और देख ले, आगे वाले के लिए तो बिल्कुल सिंपल सा पढ़ना है, जैसे कि सर ने कहा था कि 3D से ज्यादा स्प्लिटिंग 4D में, 4D से ज्यादा 5D में, तो ये 3D से, ये 4D से, ये 5D से, स्प्लिटिंग बढ़ी, स्प्लिटिंग बढ़ी तो स्टेबिलिटी बढ़ी, तो सही ऑर्डर हो गया। इसके अलावा नीचे वाला है लिगेंड सेम है, सेंटर सेम है, मतलब सीरीज भी चेंज नहीं हो रही है, अब क्या देखें, तो चार्ज देख ले, चार्ज देख लो, ऑक्सीडेशन, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज +1 है, इसकी +2 है, +3, और सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेज बढ़ने का मतलब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब उसका रीजन क्या है, सिंपल सी चीज, केटाइन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, इसका मतलब उसका पोलराइजेशन पावर पोलराइजेशन बढ़ता है, जेड इफेक्ट बढ़ता है, इसका मतलब जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, तो उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नेचर भी बढ़ रही है, तो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ये वाला करेक्ट ऑर्डर हो गया, तो अपना आंसर सेकंड आंसर सेकंड आ गया, इनका सही, हां सही, इनकरेक्ट हो गया। बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सर, कैटी इसका फार्मूला पूछा है, इसे RH और Cl(C6H5) ये आपका आंसर हो गया। ये सर सच पहले क्वेश्चन करवाया आपने, पहले भी आ चुका था, पहले भी करवाया, फॉर्म थोड़ी अलग लिखी थी, हां उसमें अपना हाइब्रिडाइजेशन वो था, लेकिन ये C6H5 के कहना उसको PH के फॉर्म में लिख दिया अपने। अच्छा अच्छा, ये फिनाइल ग्रुप है, मतलब इसको फिनाइल ग्रुप में PH उसको सिंबल से लिख दिया, और यहां पे फार्मूला लिख दिया, ये PH3 लिख दिया, और ये PPH3 हो गया, और ये Cl है ये आपका। अब बात ही आ गई, तो सर इसका एप्लीकेशन भी आप बच्चों को थोड़ा बता दें। अब इसका जो एप्लीकेशन होता है ना, ये हाइड्रोजनेशन में यूज होता है,
ऑर्गेनिक में काम आता है हाइड्रोजन, कई कैटलिस्ट होते हैं, निकल पीडीपीटी अपन लेते हैं हाइड्रोजन प्रोसेस में, वहां पर विल्किंस कैटलिस्ट भी आता है, होमोजेनियस कैटालिसिस होता है, होमो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस होता है, तो उसमें ये काम आता है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है, ये क्या हाइब्रिडाइजेशन था, और ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाती है। तो इसमें हमेशा कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, DSP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स बनाता है, प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये पहले आ चुका है अपने, पहले बिल्कुल एक चीज और ध्यान रखो, जब एप्लीकेशन की बात चल गई है तो एक होता है सिसप्लेटिन, वो आपका कैंसर ट्रीटमेंट के लिए काम में आता है। इसी प्रकार EDTA कॉम्प्लेक्स होता है, वो आपका लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में काम में आता है, और EDTA ही काम में आता है अगर आपको वाटर की हार्डनेस को एनालिसिस करना हो, हार्डनेस को एस्टिमेशन करना, हाँ एस्टिमेशन करना, उस समय ये आपके काम में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा जिग्लेरनाटा कैटलिस्ट भी आता है ना, तो वो वेल यूज होता है अपने जैसे पॉलीमराइजेशन के दौरान पॉलीथीन वगैरह बनानी हो, उसमें जैसे ट्राई एल्किल इथाइलिन ग्रुप होता है, ट्राई एल्किल इथाइलिन ग्रुप होता है, TiCl4 होता है। जी जी, तो अपना आंसर जो बिल्कुल पूछा था अपना सेकंड हो गया। बिल्कुल सर, नेक्स्ट चले सर। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है सर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज 6। अगले ने पहले ही कहा है कि जो क्रोमियम है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। एक कॉम्प्लेक्स, इसका एक कॉम्प्लेक्स है ऑक्सीलेट के साथ जो कि एक बाइडेंटेड लिगेंड है, ये आपका क्या दे रहा है, सुपरऑक्साइड दे रहा है, एक लिगेंड और दिया है EN, ये रहा EN, एक ये भी आपका बाइडेंटेड लिगेंड है। अब कह रहा है कि इनमें कौन सा ठीक हो सकता है, तो आप एक चीज याद रख लो, क्रोमियम प्लस टू और क्रोमियम प्लस थ्री जब भी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देता है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स बनाओ तो एक तो ये ध्यान रखो कि क्या इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू या प्लस थ्री में से कोई सी आ रही है, तो ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिलेगी, प्लस वन के साथ नहीं मिलेगी, प्लस फोर फिर दे देगा, हालांकि वो स्टेबल इनके नहीं होते। तो यहाँ पहला अगर अपन सही वाले, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप आंसर से अटैक करो। ये कह रहा है कि ऑक्सीलेटो कितने हैं, एक है, EN कितना है, एक है, आपको बताइए बाइडेंटेड है, ये भी बाइडेंटेड है, तो कितने हो गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, चार, और ये मोनोडेंटेड आपका सुपरऑक्साइड कितने हो गए, पांच, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अगले ने कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, तो बढ़ाने के देखने की जरूरत नहीं है। अब यहां आ जाओ, दो दो बिल्कुल सही बात है, चार और दो ये हो गए, तो ये मोनोडेंटेड दो ही कोऑर्डिनेट बनाएगा, तो ये कितने हो गए 6, मतलब ये सही हो सकता है। अब बना के देख ले, तो क्रोमियम OX से लिखते हैं अपना ऑक्सीलेटो को, EN हो गया, और आपका ये सुपरऑक्साइड हो चुका है। एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपका U लिखता है इसका मतलब ऑक्साइड है, जब लिगेंड की फॉर्म में U लिखता है, समझ गए, और अगर आपका U लिख देता है इसका मतलब या तो ये परऑक्साइड है या फिर एक मिनट उल्टा बोल गया, U लिखता है या तो U लिखता है तो ये तो ऑक्साइड है, और अगर यू लिख देता है ब्रैकेट में इसका मतलब ये वन यूनिट है, एक साथ है, तो या तो ये परऑक्साइड है या सुपरऑक्साइड है। तो देखो मैंने यहां लिखा है क्योंकि ये अपना सुपरऑक्साइड था। अब चार्ज निकाल के देख लो आप, इसका माइनस टू होता है, इसका कितना होता है, जीरो होता है, इसका माइनस वन, तो दो का माइनस टू हो गया, तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये माइनस फोर में हो जाएगा, प्लस फोर में। तो एक चीज याद रखो आप, यहाँ पे मैंने पहले ही कहा था कि क्रोमियम प्लस टू क्रोमियम प्लस थ्री आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दे सकता है, और चार्ज बढ़ने पर तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसका मतलब डेंसिटी बढ़ सकती है, तो प्लस 4 वाला भी आपका क्या दे सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब इसमें क्या, ऑक्सीजन है ना दो फॉर्म में होता है आपका, एक तो एटॉमिक फॉर्म और एक मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म होगा ना तो वो सुपरऑक्साइड होगा या परऑक्साइड होगा, और एटॉमिक फॉर्म में ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा हमेशा एटॉमिक फॉर्म में होगा, तो इसको तो बोलेंगे डाइऑक्साइड, और इसको बोलेंगे परऑक्साइड हुआ तो सिर्फ परऑक्साइड, और सुपरऑक्साइड हुआ तो सुपरऑक्साइड। तो ये अपना सही हो गया। आगे चले, डेंटिसिटी इसकी दो होती है, इसकी भी दो होती है, तो दो है तो चार हो गए, चार दो छह और दो ही हो गए, आठ हो गए डेंटिसिटी, जब ये अगला बोल रहा है 6 है, 6 है, तो ये भी गया। यहां से देखें वही चीज यहां पे आ गई, चार तो ये दे रहा है डेंटिसिटी, दो ये दे रहा है, और एक ये हो गया तो सात हो गई, तो ये भी गया। तो ज्यादा कुछ दिमाग इसमें लगाने की जरूरत थी नहीं, क्यों सर? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, देखिए वो फेक और आइसोमर वाला वापस आ गया। जी बिल्कुल। तो इसमें अपन लिया था ना Na(a)(a)3)(b)3 वाला, बिल्कुल फोर्थ हो गए, इसके बाद अपन पहले कर चुके, पहले कर चुके। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है सर, इन द आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज ऑफ मेटल कार्बोनिल द CO बॉन्ड स्ट्रेंथ इज एक्सपेक्टेड
टू इंक्रीज इन दी ऑर्डर, ये प्रीवियस लेक्चर में अपन बात कर चुके। ये आपका कैसा है, पाई एसिड लिगेंड है, सिनर्जिक बॉन्डिंग, बिल्कुल पाई एसिड लिगेंड, ये आपका पाई एसिड लिगेंड है। और पाई एसिड लिगेंड में क्या होता है, जो आपका लिगेंड है वो सिग्मा डोनर के, ध्यान से सुनना मैं बोल रहा हूँ, सिग्मा डोनर मतलब कि जब लिगेंड डोनेट करने वाला है उससे तो सिग्मा कोऑर्डिनेट बनने वाला है, और पाई एक्सेप्टर होता है मतलब कि मेटल से जो पाई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उससे पाई बॉन्ड बनने वाला है। तो ये सीओ आपका इस टाइप का होता है, ये लोन पेयर देगा सिग्मा बन गया, कोऑर्डिनेट ये लेकिन सिग्मा है। अब इसके फुल फिल्ड और इसका वेकेंट पाई स्टार, पाई स्टार वेकेंट है, इसमें अपना ये लोन पेयर देते हैं पाई बॉन्ड बन गया। तो आप यहां पे देखो इसकी स्ट्रक्चर यू होती है, ठीक है, जब सिनर्जिक नहीं होगा ट्रिपल बॉन्ड है, क्या डबल बॉन्ड जैसे आएगा ये हट जाएगा, इसका मतलब दो से बॉन्ड कितने हो, तीन से बॉन्ड होने वाले हैं दो, अगर सिनर्जिक इफेक्ट आ गया तो, मतलब बैक बॉन्डिंग हो गई तो दो आ गए, तीन से बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया दो आ गया, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली चलते हैं, या ये कह दो बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, जब अपन ऐसे बोलते हैं इसको बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपका, बिल्कुल सर, और ये बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं, बिल्कुल सर, और साथ में बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, बिल्कुल, इन सब का मीनिंग है, और ये बॉन्ड लेंथ होती है ना वो इनवर्सली होगी। अब एक चीज देखो, इस चीज को आप समझने की कोशिश करो, सिनर्जिक इफेक्ट में मेन रोल किसका है, इसके पास तो पाई वेकेंट है, मेन रोल इसका है क्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन है क्या, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी नेचर पीछे तरफ डोनेट करने की ज्यादा होगी, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन रिच बनाओ, इलेक्ट्रॉन रिच कब बनेगा, जब ये खुद के पास इलेक्ट्रॉन नहीं या इस पर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो वो अपने आप इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इसका मतलब जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स में एनायन आता जाएगा, कॉम्प्लेक्स पर एनायनिक चार्ज जाएगा वहां सिनर्जिक इफेक्ट ज्यादा होगा, सिनर्जिक इफेक्ट ज्यादा होगा मतलब बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, मतलब एनायनिक की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है और केटायनिक की ज्यादा होती है, कौन से बॉन्ड की, सीओ बॉन्ड, तो यहां से देखें ये एनायनिक है तो इसकी तो कम होगी, तो सबसे कम एनायनिक, सबसे कम एनायनिक, फिर न्यूट्रल और फिर केटायनिक, और अगर ये बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछता तो ये सिनर्जिक जिसका ज्यादा होता है उसमें ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ एक से बॉन्ड ऑर्डर हो गया दो, तो अगर इस बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करता तो एनायनिक की सबसे ज्यादा, फिर न्यूट्रल की और फिर केटायन की। अब इसमें देखो एक इंटरेस्टिंग बात सर, एक और मेरे को, बिल्कुल सर, ये मेटल है और ये आपका नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, तो मेटल क्या करती है, जैसे इलेक्ट्रॉन ले रही है, बिल्कुल, जबकि मेटल तो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, बिल्कुल, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, डोनेट करना चाहिए। अब इसके पास क्या आता है, इसमें फील्ड ऑर्बिटल होते हैं तो इसीलिए इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग भी हो जाती है, बिल्कुल, मेटल क्या है, जैसे मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होती है, बिल्कुल, लेकिन अपन कह रहे हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल ले रही है, बिल्कुल, और फिर यहाँ पर मेटल वापस दे रही है, मतलब ऐसा कोई भी लिगेंड यहाँ आया जिसके पास वेकेंट मिल गया वो दे सकता है, इसका मतलब तो सर आपका या ये ले लो पी आर थ्री, ये भी सिनर्जिक देगा, ये भी दे सकता है, और लेकिन इसकी सिनर्जी का अलग होगी, इसमें वेकेंट पी है, लेकिन इसमें वेकेंट डी है, पी आ गया ना फॉस्फोरस में, हाँ, तो वेकेंट डी है। अब ये अच्छी चीज सर ने आपको यहाँ पे बताई, तो इसका तो आंसर अपना कौन सा हो गया, सेकंड हो गया, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए सर कौन सा युग्म अपने को आयनन समवयता दिखा रहा है, मतलब पेयर ऑफ आइस आयनन आइसोमर, तो इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे एक तो आपका है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एक आयनाइजेशन स्फीयर, तो दोनों को अपन क्या आयनाइज करते हैं तो डिफरेंट आयन मिलते हैं अपने, बिल्कुल, तो वो दोनों आयनाइज आइसोमर हो जाएंगे, बिल्कुल, तो इसमें आप देखिए पहले वाले, तो इनमें देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब आप इसको एक्वस मीडियम में लेके जाओ तो आपको पता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का कभी आयनाइजेशन नहीं होता, तो यहां पर तो कोबाल्ट NH3 5 Br ये कॉम्प्लेक्स में आ गया, ये तो देखा नहीं, तो ये तो प्लस टू और SO4 -2, यहां से देखें तो कोबाल्ट एक्वस फॉर्म में ले जाने की बात कर रहा हूं, ये समझ, कोबाल्ट NH3 5 SO4 -+ Br+ और Br- तो देखो अलग अलग है, अलग अलग आने, सल्फेट आ गया, Br नेगेटिव आ गया, मतलब जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन एक्वस मीडियम में डिफरेंट आयन प्रोवाइड करवाए,
इसका मतलब वो आयनाइजेशन। आइसोमेरिज्म की पहली कंडीशन तो ये है जो सर ने बताई जी जी, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करना जरूरी है। बिल्कुल सर, ये तो कई बार क्या करते हैं अपन, मॉलिक्यूलर चीज देखने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग होगा तो आयन अलग देगा, तो वो आयन के देर चेंज आएगा मतलब ही नहीं बनेगा। एक चीज और इसमें अच्छा, अगर क्वेश्चन बनाना चाहिए इसको अगर थोड़ा मोल्ड करना चाहिए तो कई बार ये देखना है कि ये दो कॉम्प्लेक्स दिए कौन सा है जो NO3 के साथ आपका क्या बनाने वाला है, टेस्ट देने वाला है, तो यहाँ पे ये देगा क्योंकि AGBR आपकी यहाँ पे येलोविश टाइप की पीपीटी यहाँ पे टेस्ट में भी जोड़ देते AgNO3 जैसे इसमें डाल दो और इसमें जैसे आप BaCl2 डाल दो, हाँ, या ये कहते हैं कि BaCl2 मिलाने पर कौन सा पीपीटी देने वाला है, तो ऐसे में ये पीपीटी दे देगा, पीपीटी का क्वेश्चन भी आ सकता है। बिल्कुल, तो अपना ये पहला ही आंसर हो गया, तो इसमें तो फर्स्ट हो गया। आगे वाले ऑप्शंस की थोड़ी और बात कर लेते हैं। इसमें ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ना आपका चेंज होता है ना, तो उसके कारण वाटर के कारण भी एक आइसोमेरिज्म होती है, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, तो अब हाइड्रेट हो गई ना आपके पास। हाँ, अब बाकी देखो बात घूम फिर के वही आती है कि कुछ भी देखो पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो कि सेम तो है क्या, पहले ये देखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका हाइड्रेटेड फॉर्म में वाटर जा रहा है तो ये हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म हो गई। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी इस प्रकार हाइड्रेटेड फॉर्म में वाटर जाता है तो यहाँ पे सिर्फ H2O मॉलिक्यूल ही होता है, जो इसको बोलते हैं इंटरस्टेशियल स्फीयर, अंतराकाश मंडल, और अंतराकाश मंडल में सिर्फ न्यूट्रल स्पीसीज जाती है, न्यूट्रल में भी सिर्फ वाटर जाता है, लेकिन विदाउट आयनाइजेशन के इंटरस्टेशियल स्फीयर पॉसिबल है नहीं है। अगर मान लो इसको और आगे बढ़ाना था, ये Cl अंदर लेके एक H2O और बाहर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बिना आयन के आयनाइजेशन इंटरस्टेशियल स्फीयर पॉसिबल नहीं है, आयनाइजेशन स्फीयर होना जरूरी है। तो ये दोनों आपस में हाइड्रेटेड आइसोमर हो गए। इनकी बात करें तो आपको पता है दो कोऑर्डिनेशन है, तो ये आपस में कोऑर्डिनेशन आइसोमर दे रहे हैं, समझ गए। और इसकी बात करें तो ये GI दे देगा, सिस और ट्रांस, अगला पहले बोल रहा है सिस और ट्रांस, तो ये GI है। क्यों सर? अब इसमें सर वो वंडरवाल फोर्स हो जाता है, जैसे जैसे वाल वाटर मॉलिक्यूल आपका जैसे बाहर की तरफ आता है तो आयन से वो जुड़ा रहता है ना, तो अपन कहते हैं आयन डाइपोल अट्रैक्शन होता है, उससे वो अट्रैक्ट होता है, अंदर चला गया तो वो आयन आयन ही नहीं बनेगा, बिल्कुल आयन नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं होता। बिल्कुल, एक चीज का हमेशा याद रखो, इसमें पूछ लेता है कौन कौन से बॉन्ड है, तो एक तो एच बॉन्ड है, इंटरस्टेशियल स्फीयर में जो H2O जाता है वो एच बॉन्ड के साथ जुड़ता है, ठीक है, तो एच बॉन्ड हो गया। दूसरा, यहां पे अपन बात करें दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर, इनके बीच आयनिक बॉन्ड आ गया। तीसरी बात करें H2O आ गया, इसका मतलब कोवेलेंट तो होगा ही होगा, और जहां मेटल और लिगेंड होता है वहां कोऑर्डिनेट होना ही है, तो इसमें चारों बॉन्ड है, चारों बॉन्ड है। नेक्स्ट लेसन, काफी अच्छा क्वेश्चन है सर। यहाँ पे कह रहा है ये सर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ऑक्टाइडल स्प्लिटिंग एनर्जी की इसने बात की है, ये कह रहा है आपका कि ऑक्टाइडल स्प्लिटिंग एनर्जी से पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को पेयर करना है तो उस दौरान जो एनर्जी चाहिए वो पेयरिंग एनर्जी है, तो ये वैल्यू तो ज्यादा है, और स्प्लिटिंग से जो तो एनर्जी रिलीज होने वाली है वो कम है, इसका मतलब पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों T2G में जाएगा, तो तीन तो यहां हो जाएगा, चौथा इसमें जाएगा, और अगर ये कंडीशन हो जाती तो पेयरिंग हो जाती, तो ये भी यही आ जाता, मतलब कि अगर पेयरिंग नहीं होगी तो आपका फोर्थ इलेक्ट्रॉन EG में एंटर होता है, और अगर पेयरिंग हो जाती है तो सेवंथ इलेक्ट्रॉन EG में एंटर करता है, पहले छह इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, हाँ सातवां आ जाएगा। बिल्कुल, ये लिगेंड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, ऐसा आपको कभी देखने को मिलेगा नहीं, तो इन चीजों की तो आप बात कर रहे हो, ये दो तो वैसे ही कैंसिल कर दो, ये नीचे वाली कंडीशन के लिए सही है और इस कंडीशन के लिए ये सही है, तो आपको ये कंडीशन दी थी, तो अपना आंसर है सेकंड, सेकंड का यही आ गया। बिल्कुल सिंपल सर, डीएसएम से साथ आपको पूछ रहा है, तो अभी डीएमजी डाइमिथाइल ग्लाइओमिमेट होता है, तो इसमें क्या दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर अपन बना के देखें तो ni डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिम, आपको यह चीज इनकी स्ट्रक्चर आपको क्या रखनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी, तो आप पहले तो डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिम बना के देख लो, CH3 CCCH3 डबल बॉन्ड NOH डबल बॉन्ड NOH डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिमेट की बात करें तो ये हट जाएगा, ये चाहिए हटाओ चाहिए तो ये आ जाएगा आपका माइनस। एक चीज का याद रखना है, लोन पेयर तो दोनों ही कंडीशन में आपका देना नाइट्रोजन ही है, तो अब कॉम्प्लेक्स बनाए निकिल के साथ है, तो अपना यहां पे और यहां पे ये बॉन्ड जब बनेगा तो नाइट्रोजन देगा, तो डबल बॉन्ड सी 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 एच थ्री
ओ एच ओ माइनस, क्योंकि एक तरफ का एच जा चुका है। वैसे ही अपन इसकी बात करें, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सी एच थ्री, सी एच थ्री, ओ एच ओ, तो ये कितने एच बॉन्ड हो गए, दो एच बॉन्ड हो गए। ये निकल प्लस टू आयन के टेस्ट में काम में आने वाली रिएक्शन है। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा था कि कितनी रिंग बनाता है। हाँ, तो इसमें क्या दो रिंग तो हाइड्रोजन बॉन्ड से बनेगी और दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। अब आप क्या इसमें ये भी दिमाग लगा लोगे कि सर ने ये कहा था जितनी डेंटिसिटी एक कम कर दो, बाइडेंटेड है एक कम बनाएगा, तो उस हिसाब से निकल DMG दो जुड़ते हैं इसके साथ, तो बाइडेंटेड एक बनाता है, दो बाइडेंटेड है, दो रिंग हो गई, लेकिन एच बॉन्ड की वजह से दो रिंग एक्स्ट्रा हुई, दो रिंग एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। बिल्कुल सर, काफी अच्छी चीज सर ने आपको यहाँ पे बता दी है, मतलब रिंग यहाँ पे चार होने वाली है और ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स, ब्लड रेड कॉम्प्लेक्स, मतलब कि आपको पता लगाना है कि निकल आए नहीं या नहीं, उसमें DMG डाल दो, अगर आपको लगे कि खून से आ रहा है, ब्लड रेड कलर वहां हो रहा है, इसका मतलब आपका निकल प्लस टू आयन सर्टेन हो गया। एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है सर। हाउ मेनी टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर्म। तो अपने पास देखो सबसे पहले वही N A B C O D A काउंट कर लें। बिल्कुल सर, मैं लिख देता हूँ A B C D। तो अब इसके जीए अपने पास कितने हो गए, तीन हो। बिल्कुल वही स्क्वायर प्लेनर है, फिक्स कर लो स्क्वायर प्लेनर में, एक को फिक्स कर दो, फिक्स करके। एक मिनट सर, मैं लिख देता हूँ। हाँ, अभी उसमें बस जैसे मान लो अब इसको एक को फिक्स कर ले, जैसे हमने पहले बताया था ना, इसको फिक्स करके और ये तीन है इसके बन गए, तो इसके टोटल हो गए तीन। और आपको पता है ये OI देता नहीं, OI देता नहीं। तो पहले के तो सर GI पूछे हैं, पहले भी GI पूछे, फिर दूसरे के अपने टोटल पूछे, टोटल पूछे, तो दूसरे वाला किस टाइप का हो गया, एम ए, इससे दिखेगा नहीं बच्चों को, इंक थोड़ी चेंज कर लो, एम ए बी सी डी, मैं थोड़ा दूर लिख देता हूँ क्योंकि इसमें काफी कुछ होने वाला है, एम ए बी सी डी ई एफ, क्योंकि सारे का सारे छह के छह लिगेंड सारे का डिफरेंट है, तो इसमें क्या होगा, एक को फिक्स करो और रोटेट करते चलो, तो इसमें क्या होगा, ये वाला है सबसे पहले, तो वन टू थ्री फोर फाइव, पांच तो ये हो गए, लेकिन ये ऑक्टाइडल तो इसमें सबको फिक्स करके ट्रांस देखते जाना है, तो इसमें अब मैं करूंगा इसको फिक्स, तो अब इसे ट्रांस नहीं देखूंगा क्योंकि ये ट्रांस तो ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन अभी तक बी और सी ट्रांस पे नहीं आए, तो वन टू थ्री फोर, तो फाइव पहले आ चुकी थी, फोर अब आ गई, नेक्स्ट में आगे अब इसको फिक्स कर देता हूं, तो ये ऑलरेडी आ चुकी है और ये भी आ चुकी है, ये रही दोनों वाले, ये नहीं आई, वन टू थ्री, एक को फिक्स करके सबको बारी बारी से मैं ट्रांस पे भेज रहा हूं, तो तीन ही आ गई। नेक्स्ट में देखो अपन फिक्स कर लेते हैं डी को, तो वन टू, तो दो ही आ गई। नेक्स्ट टाइम मैं फिर से फिक्स करता हूं किसको, ई को, एक ही आ गई, तो कितनी हो गई टोटल है, 15, और एक भी स्ट्रक्चर में 15 की 15 स्ट्रक्चर ऐसी है जिनके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब सारी हुआ ही देगी क्योंकि सारे लिगेंड अलग है, थ्री डायमेंशन, अब आप लोगे लिगेंड तो सारे भी अलग है लेकिन ये टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये थ्री डायमेंशनल है, OI थ्री डायमेंशनल में होती है, तो आपको यहाँ पे त्रिविम पूछा है, स्टीरियो पूछा, दो स्टीरियो पूछा है, तो स्टीरियो में दो आती है आपकी GI और OI, तो यहां से अपन देखें तो इसके 15 हो गई GI और 15 की 15 देगी OI, तो OI तो टोटल हो गई 30 और GI हो गई 15, तो आपको अकेले GI पूछे 15, अकेली OI पूछे 30, टोटल स्टीरियो पूछे तो जो 15 GI है वही तो OI दे रही है, इसका मतलब ये उनमें पहले से इंक्लूड है, तो टोटल भी 30 ही होगी, 30 हो गई, क्यों सर, तीन और तीस, तो आंसर आ गया अपना 3 और 30। अब सर कईयों की यह सवाल उठ रहा है कि अपन ने इसको ट्रांस कब कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली आ चुके हैं, मैं बना के दिखा देता हूं आपको इस चीज का, उसमें नहीं आते, उसका आप बना के देख लेना, काफी लंबी प्रोसेस हो जाती है उसका, इसलिए मैं नहीं बना रहा। तो देखो इसमें ये आ गया आपका ए बी सी डी, अब मैंने इसको फिक्स कर लिया है,
तो एके ट्रांस में कौन है? डी है। नेक्स्ट चलता हूं मैं, यहां पे वही ए को मैंने फिक्स किया है, अब बारी बारी से रोटेट करूंगा बाकी को। तो अब सी को यहां ले आता हूं तो डी यहां चला जाएगा और बी यहां चला जाएगा। इसके अंदर ए के ट्रांस में कौन आ गया? सी आ गया। नेक्स्ट में मैं क्या करता हूं, ये तो समझ गए होंगे सर, रखा देता हूं। नेक्स्ट में मैं करता हूं आपका वही ए को तो मैं फिक्स कर देता हूं, अब मैं फिर घुमाऊंगा, यहां बी आ जाएगा, यहां सी आ जाएगा, यहां डी आ जाएगा। अब ए के ट्रांस में आ गया बी, अब वापस से घुमाओगे तो यहां डी आ जाएगा जो आ चुका है। अब आप कहोगे कि सर मैं तो ए को फिक्स नहीं करूंगा, बी को भी तो शिफ्ट करके घुमा सकता हूं, तो मैं बी को फिक्स करता हूं, चेंज कर रहा हूं स्ट्रक्चर। अब मैं फिक्स कर रहा हूं बी को, ये मान लो मेरा बी फिक्स हो गया, तो ये ए बी और सी, सॉरी डी, ये तो आप कहोगे कि सर ये नहीं आ गया बी के साथ डी। तो इधर देखो, जब ये स्ट्रक्चर बन रही थी ना तो बी के साथ डी ऑलरेडी आ चुका है, पहले आ चुका, आइडेंटिकल हो गया, आइडेंटिकल हो गए, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ अलग पॉसिबिलिटीज है, काफी ज्यादा हो जाती है, इसलिए मैं बना के नहीं, आइडेंटिकल को दो बार काउंटिंग करना, एक ही बार काउंट करना है। तो इसका मतलब है जब आपके पास स्क्वायर प्लेनर आए तो एक बार ही फिक्स करके घुमाना है, लेकिन उसमें अगर आ जाए सारे अलग तो वो आपके 15 होगी टोटल, या याद रख लो इतने काम। ये बच्चों को ज्यादातर आइडेंटिकल भी दिक्कत आती है, काउंट बहुत डबल करने लगे, डबल करने लगे। आइडेंटिकल को आपको बेटा एक ही बार काउंट करना, दो बार नहीं करना। तो ऐसे में 30 हो गए भाई आपके आंसर, क्यों सर? नेक्स्ट चले सर, देखिए सर, निम्नलिखित किसका प्रकाश समावय नहीं है? सर्किटरी, ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट, बाइडेंटेड वाला, बाइडेंटेड है, वापस आ गया वैसे कुछ, सब बाइडेंटेड ये देगा, और देखो पहले बाइडेंटेड ही नहीं है, जैसे कि ड्यूटी सर कहते हैं कि नोट को पहले नोट, नोट को पहले नोट कर लो, ये पहले नहीं तो ये आपको नोट दे देगा। तो ये आपका यहाँ पर ये शो नहीं करेगा, नहीं करेगा, ये करेगा लेकिन सिस वाला ही करेगा, जैसे कि संडे कहा था ट्रांस वाला नहीं देगा, इसमें भी दोनों, ये भी दे देगा और ये भी दे देगा, इसमें भी आपका सिस वाला देगा, ट्रांस वाले नहीं देंगे, इसमें दो ट्रांस हैं, दोनों ही ट्रांस नहीं देंगे, क्यों सर? सिस वाला ट्रांस देखो, चेक कर लो, और ये आपका MA3B3 टाइप का हो गया, फेस और मेल जो जी आई जरूर देगा, भाई सुपर वाला बात करो, तो फर्स्ट नेक्स्ट चले सर, चलो बिल्कुल सर देखिए, नाइट्रेट आयन के परीक्षण में बनने वाले भूरी वलय का सूत्र FeH2+NOSO4 का आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? तो देखो अब इसमें क्या होता है, आयरन के जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं ना तो उसमें NO का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 मान के चलो IPC के अकॉर्डिंग, तो इसको +1 मान लोगे ना उसके अकॉर्डिंग काउंट कर लो, देखो Fe का इसका मान लो आपने +1 मान लिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, सेकेंड आंसर बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना, ये आयरन का जब भी कॉम्प्लेक्स आए ना, NO वैसे न्यूट्रल लिगेंड भी होता है और दूसरा केटाइनिंग भी होता है, लेकिन अपन क्या आयरन के कॉम्प्लेक्स में जब भी बात करते हैं इसको हमेशा केटाइनिंग मानते हैं, तो अपना इसमें आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर, दी टू कॉम्प्लेक्स PtCl4 2NH3, देखो ये प्लेटिनम आपका +4 में, +4 में होने का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने वाली है, कब 4, वो मैं पूरे आयन से जब ड्यूटी सर के साथ कर रहे थे सर, इनको मैंने पहले डिस्कशन में, और मतलब ये वही देखेगा जिसने पहला वीडियो देखा है, बाकी के तो काम का भी नहीं है, सही है सही है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ क्या आ गई है, 6 आ गई है, तो 6 आ गई, तो आपको पता है सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा बैलेंस्ड होती है न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, लेकिन न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो दो ही है, और अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल सफिशियंट नहीं है तो ऐसे में जो एनायन होता है, मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, वो एज ए सेकेंडरी वैलेंसी यूज हो जाती है, वर्नर की थ्योरी, हाँ वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी। तो ये आ गया, ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हो बाहर कोई आयन नहीं है, ध्यान से देखो इसमें बाहर कोई भी आयन नहीं है, सारे के सारे इंक्लूड होगा इसके, वैसे ही मैं इसका बताता हूँ, प्लेटिनम +4 में सोल्व करके देख लो, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आने वाली है, यहाँ पे कोई न्यूट्रल नहीं है तो सारे के सारे Cl है, ये K2 आ गया, इसका फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है, मेरे को सवाल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को वर्नर थ्योरी याद है इसलिए मैं ये बना पा रहा हूँ, बिना सवाल पढ़े सवाल कर पा रहा हूँ, क्लियर। अब आपके ये, अब अगर किसी को ये बनाना नहीं आता है तो इससे पता कर लो, पहला कह रहा है कि ये दोनों के दोनों ही AgCl के साथ PPT नहीं देते, इसका मतलब
AGCL के साथ PPT ये दोनों के दोनों ही में ट्रीटेड। अच्छा ये कह रहा है जब AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाते तो AGCL की PPT नहीं देते, तो ये लाइन भी आपको करी कि बाहर किसी के भी क्लोराइड आयन नहीं है तो इनमें क्लोराइड भी से भी बाहर नहीं बनाना होता है, तो जिसको फॉर्मूले बनाना नहीं आता वो इस लाइन को समझ जाएगा। फिर आगे चले द कंडक्टेंस ऑफ, ये तो कंडक्टेंस देता नहीं तो साफ साफ पता चल रहा है एक्वस मीडियम में लेके जाओगे तो न्यूट्रल है, कोई आयन है नहीं, जीरो आयन, इसका मतलब ये कंडक्टेंस नहीं देगा, जबकि ये आपकी कंडक्टेंस शो कर रहा है गिव्स थ्री आयन्स पर। अब ये कह रहा है कि थ्री आयन की वजह से कंडक्टिविटी दे रहा है, तो बिल्कुल एक्वस मीडियम में लेके जाओ तो तीन आयन देगा 2K+ और एक आयन ये खुद हो जाएगा पूरा कॉम्प्लेक्स। अब कहीं भी महर्षि क्या करते हैं प्लेटिनम प्लस 4 अलग और 6Cl-, हमेशा ध्यान रखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आयन कभी भी टेस्ट नहीं देते हैं अगर वो आपके परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है तो, कुछ एक इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें अंदर वाले भी टेस्ट दे देते हैं और एपीएमडी में क्वेश्चन पूछे हुए भी है करना है, एक आधे क्वेश्चन तो आपकी प्रैक्टिस के लिए भी छोड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो आएगा वो आयन नहीं देगा, हाँ वो AgNO3 का AgCl पीपीटी, हाँ बस कंडीशन ये है कि वो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं वो दे देते हैं, बाकी जैसे केडीबीएम का इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होता है वो H2S का टेस्ट दे देता है अंदर आकर के भी, तो मेडिकल में तो वैसे जनरली क्या होता है इस तरह से ही पूछ लेते हैं, हाँ इतना ज्यादा नहीं लेके जाता जेई में फिर भी पूछ लेते हैं, तो इसमें ये पहला होगा सर, बिल्कुल सर ये फर्स्ट आंसर, फर्स्ट आंसर कॉल पर। नेक्स्ट चलते अब जिंक का एक कॉम्प्लेक्स आ रहा है AcNO2NH3 कॉम्प्लेक्स, तो आपने जो वही Na टाइप का अभी बाइडेंटेड लिगेंड आ गया, बिल्कुल अब बाइडेंटेड और सिमेट्रिकल और जिंक हाइब्रिडाइजेशन हमेशा आपको पता ही है sp3 होता है, तो ये कैसा होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, बिल्कुल सर अपने पहले ही बोल चुके हैं कि जिनके सारे sp3 होंगे सोचने की जरूरत नहीं है, और फिर मैंने कहा सिर्फ दो जने ही देंगे, एक तो ये और एक ABCD, तो ये आपका कैसा है MAA है पहली बात तो, क्योंकि एसिटिल एसिटोनेटो ये आपका सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है, आप इसकी स्ट्रक्चर बना करके भी देख सकते हैं C(OCHCO-CH3). अब आप कहोगे कि ये तो सिमेट्रिकल नहीं हुआ, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बनता है ना तो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की वजह से ये पाई बॉन्ड घूमते रहते हैं और आपका ये सिमेट्रिकली ही होगा, क्यों सर ये रेजोनेंस हो गया यहां डबल बॉन्ड आएगा फिर इधर आ जाएगा फिर ये ऊपर नेगेटिव, तो ये सिमेट्रिकली ही माना जाएगा, तो सिमेट्रिकल माना जाएगा, तो ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो बिल्कुल अपन इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, इसी बात में प्रेडिक्शन यहां लगाया जा सकता है, पहले बात अपन नेक्स्ट लेते रेसेमिक मिक्सर पूछ रहा है, तो 1:1 मोलर अनुपात में मिश्रित किया जाता है, तो सर रेसेमिक मिक्सर की बात कर रहा है इसका मतलब तो OI तो देना जरूरी है, OI हो गया जैसे D और L बनता है, हाँ। तो DL का मतलब इक्विमोलर मिक्सर ऑफ इनेंशियमर्स, हाँ उसको अपन रेसेमिक मिक्सर बोलते हैं, बिल्कुल और रेसेमिक मिक्सर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो ये GI तो देता नहीं है, सिर्फ OI देगा, और एक तो हो गया आपका मेन और दूसरा उसका OI आइसोमर, तो 50-50% हो गए, तो सिर्फ यही रेसेमिक मिक्सर देगा, बाकी आप इसके अंदर देखें तो इसके अंदर तो आपका कैसा हो गया ग्लाइसिनेटो, तो यहाँ पे देखा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन इसका आ जाएगा +2 में है ना, तो ग्लाइसिनेटो आपका CH2NH2COO, ये वीक फील्ड की तरफ ज्यादा होता है सर, तो वीक फील्ड होने से sp3 की तरफ चला जाएगा, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, ये DMG डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिनेटो, इसमें नाइट्रोजन दे रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लेकिन DSP2 आ गया तो OI की तो अपन बात ही नहीं करेंगे सर इन ऑल केसेस, तो ये तो गया, तो अपना कौन सा आंसर हो गया बिल्कुल, आपको यहाँ पे इन दोनों को डिस्टिंग्विश्ड मतलब कि अलग कैसे कर सकते हैं जो रिएजेंट मिलाने आपको बिल्कुल, एक काम करते हैं अपने BaCl2 मिलाएंगे तो इसमें बाहर क्लोराइड आएगा तो टेस्ट देगा कि नहीं देगा पता ही नहीं चलेगा, तो ये तो नहीं कर सकते, AgNO3 मिलाते हैं दोनों में तो अगर ये कॉम्प्लेक्स हुआ तो AgCl बनेगा और अगर ये कॉम्प्लेक्स हुआ तो AgBr बनेगा, तो ये तो व्हाइट कलर की पीपीटी होगी और ये थोड़ी येलोइश कलर की पीपीटी होगी, तो दोनों की डिफरेंट पीपीटी है तो पता चल जाएगा, इसका मतलब अपन अगर बाहर क्लोराइड आयन है उनका टेस्ट करना होता है तो वैसे में सल्फेट आयन हो बाहर तो वैसे में बेरियम क्लोराइड मिलाते हैं, बेरियम सल्फेट की व्हाइट पीस BSO4 भी आ जाता है, तो ये कुछ एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं
संकुल के लिए आपने को दे रखा है ये जो सी एफ एस सी दे रखी है और आपको ये देखो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आ रहा है और ये ऑक्टाहेड्रल है तो इसमें एक रिलेशन होता है ना 4/9 और ये आपको क्या होता है ऑक्टाहेड्रल ये टेट्राहेड्रल के लिए होगा टेट्राहेड्रल के लिए तो 4/9 कर लो इसका बिल्कुल तो इसका मतलब सर 4/9 और 18 चार्ज जो है तो ये दो और आपका 18 तो थर्ड आंसर हो जाएगा हार्ड कैलकुलेशन थी इसलिए मैंने कर दी आपको पता है जब भी इजी होती है मैं छोड़ देता हूँ बच्चे कहेंगे उल्टा करते हैं हमेशा इजी वाली कर देते हैं हार्ड वाली छोड़ देते हैं तो अपना ये आ गया थर्ड आंसर थर्ड नेक्स्ट चलिए हाँ एक चीज और ही यहाँ पे देख लो ये रिलेशन तो होता है यू फोर अपॉन नाइन वाला और अगर स्क्वायर प्लेनर की बात करें 1/2 स्क्वायर प्लेनर तो वो होता है 1.2 ऑक्टाहेड्रल मतलब कि स्क्वायर प्लेनर तो ऑक्टाहेड्रल से ज्यादा है और टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल से कम है इसीलिए जब स्टेबिलिटी की बात करें स्क्वायर प्लेनर सबसे ज्यादा स्टेबल है उससे कम ऑक्टाहेड्रल सबसे कम टेट्राहेड्रल और कहा जाता है कि टेट्राहेड्रल की जो एनर्जी होती है ये तो हमेशा ही पेयरिंग से कम होगी तो इनमें कभी पेयरिंग होगी नहीं इनमें हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन ही बनेंगे हमेशा स्पिन बनेंगे हां बिल्कुल ये तो हुंड के अकॉर्डिंग चलेंगे कि पहले सबको एक एक देंगे फिर बचा है तो सबको दोबारा से देंगे क्यों सर तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर मिक्सर ऑफ अपने को दे दिया एक्स दे दिया और फिर ये अपने को ये वाई कंपाउंड दे दिया अब इसमें देखो यहाँ क्या बोल रहा है 1 लीटर मिक्सर ऑफ एक्स प्लस एक्स इज ऑफ एजियन 3 और ये 1 लीटर ये दे रहा है अब यहाँ देखो 0.02 मोल है ना वो 2 लीटर में हमारे पास बिल्कुल सर तो 1 लीटर में निकाल लेंगे अपन तो डिवाइड बाई 2 डिवाइड कर देंगे इसका मतलब है ये जब रिएक्शन करवा रहा है उस समय इसका सिर्फ 0.01 मोल ले रहा है और इसका भी 0.01 ले रहा है अब आ जाओ क्वेश्चन के पास ये कह रहा है इसमें AgNO3 मिलाओ तो AgNO3 मिलाओगे तो AgBr बनेगा कैसे बनेगा ये एक मोल होता तो एक मोल बनता है अगर ये 0.01 मोल है तो ये भी 0.01 मोल ही बनेगा तो एक तो इसका तो आ गया 0.01 मोल आ गया वैसे ही इसमें कर ले सर क्यों इसमें BaCl2 मिला तो ये कितना मिला रहे वो मायने नहीं रखता बना हुआ पूछ रहा है बेरियम सल्फेट आपको पता है अगर एक मोल होता तो एक सल्फेट आता है अगर 0.01 मोल है तो 0.01 मोल ही सल्फेट आने वाला है तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा दोनों सेम आ जाएगा कंसंट्रेशन है ना N/V होता है वॉल्यूम भी ध्यान करना पड़ेगा और मोल भी देखना पड़ेगा मतलब यहाँ हमने आपकी थोड़ी सी फिजिकल केमिस्ट्री चेक कर ली फिजिकल भी चेक कर ली कि N/V जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑलरेडी बिल्कुल सही तो आज का काफी अच्छा रहा सर हां सर जैसे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और पहले कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री का सर का जैसे दयाल सर का पहले चल ही रहा है और मैं अभी सेकंड पार्ट में मैं भी साथ में आया बिल्कुल आगे वाले जो वीडियोज होंगे उनमें मेरा सहयोग करने वाले हैं डीराज सर भी जैसे हम क्या दोनों वैसे मिलके कोऑर्डिनेट करते हैं हम दोनों एक ही बात होती है कोई ऐसा अलग नहीं होता पहले जैसे ड्यूटी सर आ गए अब जैसे मान लो उनको थोड़ा रिलैक्स होगा मैं आ गया तो अभी जैसे हम दोनों मिलके अब आगे की जो वीडियो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल ऐसे ही आगे के आपको बेहतर वीडियो और मिलते रहेंगे बस आपको यह करना है कि जब ये वीडियो देखो ना उससे पहले आपके थ्योरी ब्रीफ होनी चाहिए मतलब आप चैप्टर पहले अच्छे से पढ़ो जब आपके असाइनमेंट नोट्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद में वीडियोस को आप देखो क्यों सही वीडियो देखने के जैसे आपको कितना फायदा हो रहा है एक तो क्वेश्चन ट्रिक भी मिल रही है सर हाँ बीच बीच में आपको जो शॉर्ट ट्रिक मिलती जा रही है और क्वेश्चन का जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं थोड़ी थ्योरी जो है ना ब्रीफ में आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल मिला जो सर आपने अभी बोला नेक्स्ट आपको नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ओके थैंक यू थैंक यू